बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता राजकुमार का एक अलग ही रुतबा हुआ करता था। राजकुमार साहब अपने बड़बोलेपन के लिए भी काफी ज्यादा बदनाम हुआ करते थे, जो एक मिनट में ही बड़े से बड़े सुपरस्टार का मजाक उड़ा देते थे। राजकुमार साहब से बेइज्जत हुए कई सारे सुपरस्टार हैं, जिनमें सलमान खान, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई सारे सितारे रहे, और इन सितारों की बेइज्जती करने में राजकुमार साहब ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हालांकि राजकुमार साहब की उस दौरान डिमांड भी हुआ करती थी, भले उनकी फिल्में फ्लॉप साबित हो जाया करती थी, लेकिन वो अपनी फीस में कोई भी कटौती नहीं करते थे, और यही रुतबा राजकुमार साहब को और भी बड़ा सुपरस्टार बनाती थी। कहने को तो राजकुमार साहब बड़बोलेपन के लिए काफी ज्यादा बदनाम थे, लेकिन उनकी फिल्मों में डायलॉग बाजी की दीवानगी इस कदर फैंस के बीच में हमें देखने को मिलती थी कि फिल्में हिट हो जाया करती थी। अब जाहिर सी बात है, राजकुमार साहब के स्टारडम के आगे बड़े से बड़ा सुपरस्टार फीका नजर आता था, और राजकुमार साहब किसी को भी अपने से बड़ा सुपरस्टार नहीं मानते थे। हालांकि इंडस्ट्री में इकलौते दिलीप कुमार साहब ही थे जिन्हें राजकुमार साहब अपने से बड़ा सुपरस्टार मानते थे। वहीं दूसरी ओर राजकुमार साहब बाकी सुपरस्टारों की इज्जत किया ही नहीं करते थे, लेकिन इंडस्ट्री में एक ऐसा भी सुपरस्टार था जिसने राजकुमार साहब को दिन में ही तारे दिखा दिए थे, और ये सुपरस्टार थे फिरोज खान साहब। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार साहब के अलावा फिरोज खान ऐसे एक्टर थे जो एक्टिंग के साथ अपने बेबाकी और अकड़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। राजकुमार साहब की तरह फिरोज खान साहब भी मुंह पर कुछ भी बोल देने वालों में से एक थे, तभी तो फिरोज खान साहब अपने जमाने के काफ़ी दमदार अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। अब एक बार ये दोनों अभिनेता एक साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे, जिसकी शूटिंग के दौरान राजकुमार साहब नहीं बल्कि फिरोज खान साहब की अकड़ ज़्यादा नजर आई थी। ये अकड़ देख राजकुमार साहब भी दंग रह गए थे। फिरोज खान साहब की बात करें तो फिरोज खान साहब एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे निर्माता भी थे। वो अपने दौर के दिग्गज अभिनेताओं में से एक माने जाते थे। उनकी फिल्म कुर्बानी, धर्मात्मा और जाबाज यादगार फिल्में मानी जाती हैं। इंडस्ट्री में आज भी उनका रुतबा बरकरार है, भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। हालांकि इंडस्ट्री में फैशन लाने वाले फिरोज खान साहब अपनी अकड़ के लिए भी खूब फेमस हुआ करते थे। फिरोज खान साहब ने 1965 में बनी अपनी फिल्म ऊंचे लोग में राजकुमार साहब और अशोक कुमार के साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन राजकुमार साहब की फिरोज खान साहब से मुलाकात होती है। राजकुमार साहब ने उन्हें बुलाया और कहा कि देखो, ये एक बड़ी फिल्म है, तुम्हें अपना रोल बहुत ध्यान से करना होगा, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा, और यहीं पर ही बड़ी गड़बड़ हो गई। बताया जाता है कि राजकुमार साहब ने फिरोज खान साहब को जैसे ही समझाना शुरू किया तो फिरोज खान साहब बीच में ही उठ खड़े हुए और राजकुमार साहब से कह दिया कि आप अपना काम अपने तरीके से करें, मैं अपना काम अपने तरीके से करूंगा। फिरोज खान साहब की ये बात सुनकर यूनिट के सभी लोग हैरान रह गए थे और लोगों को लगा कि अब ये फिल्म या तो बनेगी या इसमें फिरोज खान साहब नहीं होंगे। हालांकि बताया तो ये भी जा रहा था कि राजकुमार साहब निर्देशक से फिरोज खान साहब को निकलवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अगले दिन सबके सामने फिरोज खान साहब से कि मुझे तुम्हारी अकड़ अच्छी लगी, मैं भी ऐसे ही हूँ, किसी की नहीं सुनता, ये अकड़ हमेशा बनाए रखना। बाद में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और ये फिल्म हिट साबित हुई। राजकुमार साहब के साथ फिरोज खान साहब की जोड़ी दर्शकों के बीच में काफी ज्यादा पसंद की गई और इस फिल्म से ही फिरोज खान साहब को असली पहचान भी मिली। इसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। आने वाले समय में फिरोज खान साहब ने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी और वो अपने दौर के एक बड़े सुपरस्टार बन गए। आने वाले समय में फिरोज खान साहब ने ना सिर्फ अभिनय किया बल्कि कई सारी फिल्मों का निर्माण भी किया और उन फिल्मों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया।